नमस्कार जय हिंद दोस्तों, तैयार हो जाए इकोर शानदार वैकेंसी के लिए। जी हां दोस्तों, यूको बैंक के द्वारा अप्रिसिएंट के तौर पर वैकेंसी रिलीज की गई है। अभी अभी 500 ने टोटल 44 पोस्ट के ऊपर आपकी ये वैकेंसी आई है दोस्तों। गुड न्यूज़ यह है कि दोस्तों अलग अलग इंडिया के अंतर्गत दोस्तों हर स्टेट के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। तो अपने स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी आई है आप ज़रूर वॉच कीजिएगा और किसमें आप आवेदन कर पाएंगे सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। सैलरी की बात करूँ तो 15,000 रुपये आपको पर मंथ गवर्नमेंट की ओर से और दोस्तों यूको बैंक की ओर से दी जाएगी। इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसी स्टेप में प्रोवाइड करने वाला हूँ, साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो कहीं भी न जाइएगा दोस्तों, पूरा नोटिफिकेशन जरूर वॉच कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्ट है इजी गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत तो आप हमारे चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये यूको बैंक की ओर से जो नोटिफिकेशन आया है वो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों जरूरी है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप नोट करके रखिए, वो आगे आप जब अप्लाई करोगे तो आपके काम में आने वाला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है HOOHRM RECR 2024/5:19। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लें कि आपको अप्लाई कब से कब तक है, तो 2 जुलाई 2024 से लेकर 16 जुलाई 2024 तक आप इसमें एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों बात करते हैं कितनी कितनी वैकेंसियां कहां कहां पे आपके लिए आई हैं। तो स्टेट वाइज मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी वैकेंसियां पर स्टेट में आई हैं। अंडमान एंड निकोबार में सबसे कम 1 वैकेंसी आई है, आंध्र प्रदेश में 7 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, आसाम में 24 वैकेंसीज है, बिहार में 39 वैकेंसीज है, चंडीगढ़ में 4 वैकेंसीज है, छत्तीसगढ़ में 10 वैकेंसी है, दादरा एंड नगर हवेली में 1 वैकेंसी है, दमन एंड दीव में 2 वैकेंसी है, गोवा में 1 है, गुजरात में 18 है, हरियाणा में 14 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 27 है, जम्मू एंड कश्मीर में 3 वैकेंसी है, झारखंड में 12 है, कर्नाटका में 11 है, केरला में 9 वैकेंसी आपकी रहने वाले हैं, लक्षद्वीप में 1 है, मध्य प्रदेश में 28 है, महाराष्ट्र में 31 है, मणिपुर में 2 है, मेघालय मिजो नागालैंड और दोस्तों नागालैंड में 1-1 वैकेंसी है, न्यू दिल्ली के लिए 13 वैकेंसी है, ओडिशा में 44 वैकेंसीज है, पांडुचेरी में 2 है, पंजाब में 24 है, राजस्थान में 39 वैकेंसीज है, सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 20 वैकेंसी है, तेलंगाना में 8 है, त्रिपुरा में 4 है, उत्तर प्रदेश में 47 है, उत्तराखंड में 8 है और सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में 85 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 544 टोटल वैकेंसी आपके लिए रहने वाली हैं। तो वैकेंसी का पता आपको चल गया। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन किस आधार पर रहेगा, क्या इसमें एज लिमिट मांगी गई है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट कम से कम इंडिया का होना चाहिए, इसके साथ नेपाल और भूटान का अगर है तो आप इसमें एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो। बात करें एज लिमिट की तो एज के अंतर्गत आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो एज है आपकी वो 28 साल होनी चाहिए। इसके अंतर्गत आपकी दोस्तों मैक्सिमम एज के अंतर्गत छूट भी आपको मिलने वाली है। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो उसमें 5 साल की छूट मिलेगी, अगर आप दोस्तों OBC कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट आपको मिलने वाली है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों बैंक की नौकरी पाने के लिए ये अच्छा अवसर आपके पास है। इसमें आपको ग्रेजुएट की डिग्री होना जरूरी है। अगर आपके पास डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से तो आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी कितनी रहेगी, तो 1 साल की आपकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग रहने वाली है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो 15,000 टोटल आपकी सैलरी मिलेगी, जिसमें 10,500 रुपये यूको बैंक की तरफ से दिए जाएंगे और दोस्तों 4,500 रुपये आपको सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज यानी सिलेक्शन के लिए आपको दोस्तों जिससे राजस्थान का कोई कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है तो उसको दोस्तों लोकल हिंदी या दोस्तों जहां पे फॉर्म भर रहे हैं
वहाँ की ज्ञान, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कोई बंगाल से फॉर्म भर रहा तो उसको बंगाली भी आना जरूरी है। बात कर लेते हैं दोस्तों आपका ट्रेनिंग टाइम क्या रहेगा, तो बैंक का जो टाइम रहेगा वहीं आपका ट्रेनिंग टाइम रहने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका किस प्रकार का रहने वाला है, तो दोस्तों आपका स्क्रीनिंग और पर्सनल इंटरव्यू आपका रहने वाला है, जिसके बाद दोस्तों जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा, उनके बाद में उनको सिलेक्शन दिया जाएगा। उनको दोस्तों रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न एग्जाम में जो पास होंगे दोस्तों उनका आपको yukobank.com यानी कैरियर के ऑप्शन पर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड भी मैं दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए और कॉन्टैक्ट नंबर आपका होना चाहिए अगर आप एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप करोगे। और दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, तो दोस्तों दो वेबसाइट है natseducationgovernment.in, यहाँ पे दोस्तों जाके आप रजिस्टर कीजिएगा। स्टूडेंट रजिस्टर, स्टूडेंट लॉगिन करके अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर बना के, तो आप उसका भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाला। इसके अलावा जनरल इन्फॉर्मेशन भी आप इसके अंतर्गत पढ़ सकते हो ये नोटिफिकेशन लेके, क्योंकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपको दोस्तों टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट की दीजिएगा, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर बेटर अपडेट या लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए तो दोस्तों yukobank.com की ऑफिशियल साइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। इस दोस्तों ट्रेनिंग बेस्ड जो अप्रेंटिसशिप है उसको करके आप दोस्तों बैंक की नौकरी पाने में दोस्तों एक स्टेप और ले सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जल्दी से दोस्तों कमेंट करवाइए, उसके लिए भी मैं वीडियो जल्दी से लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।